अब जो नंबर पांच सही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के हवाले से पेश करूंगा, फिर उस पांच हदीसों के बाद एक सही हदीस पेश करूंगा, तो फिर वो पांच हदीसों को और एक जो मैं सही हदीस पेश करूंगा उसको आप देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सही और ज़ईफ हदीस में कितना फर्क होगा। अब पांच ज़ईफ हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के हवाले से। हदीस नंबर 1, यह मिश्कात में किताब सुराज का चैप्टर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की फजीलत इसका सब चैप्टर। अब हुरैरा से रावी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स मेरी कब्र पर आकर मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं खुद उसका दुरूद सुनता हूं, और जो शख्स दूर से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उसका दुरूद मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। अब देखें कि मैं खुद उसका दुरूद सुनता हूं और जो शख्स दूर से पढ़ता है उसका दुरूद मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। अब देखें यह हदीस जो है यह ज़ईफ है, इसमें एक रावी है अबू अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन मरवान अस-सुद्दी, ये मुहद्दिसीन की नजर में मशकूक रावी है, इसके ऊपर नजर थी मुहद्दिसीन की, ये मशकूक रावी था और बाद मुहद्दिसीन से हदीसें लेते ही कहते हैं ये रावी मौजू है, मनगढ़ंत है, हदीसें बयान करता था। एक इसमें यह सुकन और दूसरा सुकन है इसमें अहमश मदल्लस है और आम से बैत कर रहा है और सही मुस्लिम के मुकदमे में है कि मदद्दस की अन वाली रिवायत उस वक्त तक काबिले कबूल नहीं होगी जब तक वो समा की तसरीह ना हो साबित हो, जब तक समा की तसरीह साबित ना होगी तो मदद्दस की अन वाली रिवायत हम इस काबिले कबूल नहीं होगी, तो ये रिवायत है सही। हदीस नंबर 2 वो है अल मुसन्नफ अबी इब्न शैबा के अंदर है, उमर के फजाइल का चैप्टर है कि वो बयान करते हैं कि उमर के दौर में जब कैसा भी हुई एक मरतबा एक अराबी जो आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के मुबारक पर आया, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आया एक अराबी, उमर के दौर में कैसा भी हुई एक अराबी आया हाथ उमर के पास नहीं आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास आया और उसने आकर कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ताला के हुजूर बारिश की दुआ की है, ये उम्मत हलाक हो रही है कैसा भी पड़ी है तो ये ना वो आप अल्लाह ताला की बारगाह में बारिश की दुआ की है, तो वो कहते हैं फिर वो शख्स पानी चला गया ना वही बैठ के उसको ख्वाब आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और आकर कहा कि उमर के पास जाओ और उसे मेरा सलाम कहना और उमर को कहना कि फिर उम्मत पर रहम करे यानी सख्ती ना करे नरमी रखे, ठीक है ना। तो वो कहते हैं देखे ना जी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर आया उस अराबी, उसने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करवाई, इस हदीस को वो कहते हैं देखे कब्र से मांगना साबित है कब्र पर जाना साबित है। तो मेरे भाई ये हदीस भी सही है। शेख अल्बानी कहते हैं इसमें मालिक उद्दार ये ज़ईफ रावी है, शेख अल्बानी का ये रावी ज़ईफ है, दूसरा इसमें भी अहमश मदल्लस और आम से बेहतर है और सही मुस्लिम मुकदमे में लिखा हुआ है ये रूल कि मदल्लस की अनवाय बयात उस वक्त तक काबिले कबूल नहीं होगी जब तक समा की तस्री मौजूद ना हो, इसकी समा की तस्री मौजूद नहीं है, तो ये भी रिवायत है ज़ईफ। हदीस नंबर 3 यह सूरत नसा की आयत नंबर 64 तो इसके नीचे हाफिज़ इब्न कसीर ने एक रवायत नकल की, वाकया किस्सा है उन्होंने तो किया गया कि जी एक उसबी नामी शख्स बैठा हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, एक अराबी आया उसने आकर ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर आकर अर्ज की के या रसूलल्लाह मैंने कुरान में यह आयत पढ़ी है 64 की कि जो जब तुम अपनी जानों पर जुर्म कर लो तो अल्लाह के रसूल के पास आओ, अल्लाह के रसूल से भी शफात कराओ, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला से माफी मांगो तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुम्हें माफ फरमा देगा, तो लिहाजा आप अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी दुआ कीजिए मेरी शफात कीजिए। तो फिर कहते हैं वो अराबी तो चला गया लेकिन जो उसी नामी शख्स वो वहां बैठा हुआ था तो उसी ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ उस अराबी को खुशखबरी दे दो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ करवा दे, इससे वो प्ली लेते हैं कि देखना जी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर आकर इस तरह जो ना वो दुआ करवाना साबित है आपकी आपकी फात के बाद। तो मेरे भाई ये हदीस भी बिल्कुल ये हदीस है नहीं बल्कि ये किस्सा है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये आयत का कॉन्टेक्स्ट ही ये नहीं है जिसके नीचे ये रिवायत आई है, आफत इब्न कसीर ने इसको कोई हुक्म नहीं लगाया ना कोई सही तरीका ना इसकी कोई तफसील बयान की ना कोई सनद बयान की, ठीक है ना। इसमें एक रावी है मोहम्मद बिन रूबिन यजीद, तमाम हदीसों के नजदीक ज़ईफ रावी है, एक नंबर।
दूसरा ये है कि इस आयत का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है जो जिसके यानी कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है अपनी फात के बाद। ये आयत थी असल में काफिरों में अहद, काफिरों ने अहद शिकने की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया था काफिरों ने, तो उनके बारे में अल्लाह मैं पहले तुमने मेरे नबी को धोखा दिया, मेरे नबी के पास जाओ और कहोगे अल्लाह तआला के बारे में इस्तिगफार करो हमारे लिए, फिर तुम्हें अल्लाह माफ फरमाएगा, तुम भी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी करवाओ मेरे बारे में इस्तिगफार क्योंकि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया। तो ये खास आयत थी काफिरों के बारे में और आपकी जिंदगी में बरकत की आयत थी, आपकी जिंदगी के बाद आएगी तो और भी कोई नहीं जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर के या रसूल अल्लाह हमारे लिए जो ना वो मैं गुनाहगार हूं तो मेरे गुनाहों की शफात कीजिए अल्लाह के बारगाह में, नहीं ये सिर्फ आयत आपकी जिंदगी में बरकत थी। मुहद्दिसुल अज़हर मुहद्दिसुल आज़म बरस गिर जो ना वो शेख अबू ज़ुबैर ज़ई रहिमहुल्लाह जिन्होंने तफ़सीर में कसीर पर हुक्म लगाया है, उन्होंने ये वर्ड नीचे कमेंट किए हैं कि ये आयत जो थी सिर्फ उस खास मुनाफिकीन काफिरों के लिए थी, आज के दौर में ये आयत का हुक्म नहीं है कि आज के दौर में भी इतना रसूल पर जाकर आपसे शफा करवाई लेकिन नहीं, ये सिर्फ उनको कौन के लिए थी जिनको उन्होंने अहद तोड़ा था, नबी सलाम को धोखा दिया था, फिर अल्लाह कहा कि नबी को जाकर तुमने धोखा दिया था, नबी मेरे पास जाओ उनसे जाकर कहो कि मेरे ऊपर सलाम मेरे लिए मेरे वास्ते तुम्हारे वास्ते मेरे लिए अपना तुम्हारे वास्ते मेरे दूर इस्तिगफार करो मत में माफ़ी मांगो। नंबर फोर और ये है कि ये जो है ना हदीस ये मिश्कात में है, क्रांतों का बयान का चैप्टर है, सईद बिन अब्दुल अजीज इसके रावी हैं, ठीक है ना, वो बयान करते हैं कि वाकई हिरा के दिनों में ना मस्जिद नबी में जब तीन दिन ना अजान हुई ना नमाज हुई तो सईद बिन मुसैयद थे वो मस्जिद नबी में अंदर थे बंद थे, तो सही दिन मुसैयद नमाज का वक्त नबी सलाम की कब्र मुबारक से एक गुंगनाहट सी आती आवाज सी आती उससे आवाज नमाज का वक्त पे जानते थे फिर नमाज पढ़ते थे, यानी कि नबी सलाम की कब्र मुबारक से कोई आवाज बाहर भी आ सकती है, इसे ये डिजाइन कहते हैं, देखना जी कि वो सहाबी जो था वो वाकई हिरा में अंदर था तो नबी सलाम की आवाज से मेरे के आवाज आती थी कब्र से बाहर फिर उसको नमाज के टाइम का पता चलता था। तो मेरे भाइयों इसमें सईद बिन मुसैयब की मुलाकात सईद बिन अब्दुल अजीज से बिल्कुल साबित नहीं है, ये मुनकिदा सनद है इसकी, सनद ही मुकम्मल नहीं है, मुनकिदा सनद है इसकी कि सईद बिन अब्दुल अजीज जो बयान कर रहा है उसकी सईद बिन मुसैयब से मुलाकात साबित नहीं है, तो कहां से सुनी, तो ये इसकी सनद मुनकिदा है, तो ये भी सही है। हदीस नंबर 5 और लास्ट सही, ये भी मिश्कात में अकरामतों के बयान का चैप्टर है, अबू अल जोजा इस तरह आवी हैं, तो वो बयान करते हैं कि मदीने में एक मरतबा क्या साली हुई तो सब लोग अमायशा के पास किए, तो अमायशा ने कहा कि जाओ नबी साहब शाम की कब्र पर वो वहां जाकर एक सुराख कर दो, जब उन्होंने कि कोई पर्दा ना रहे सुराख हो, जब उन्होंने नबी साहब शाम की कब्र में सुराख किया कोई पर्दा ना रहा तो कहते हैं इतनी बारिश हुई कि घास उठी और जानवर इतने मोटे फरबा हो गए, उस साल का नाम ही आमुल फितर यानी कि कुछ खुशहाली वाला साल बारिश वाला साल पड़ गया, इतनी बारिश हुई, वो कहता है देखा ये कब्र से फैत यानी कि उन्होंने सुराख निकाला और कब्र की बरकत से सारा मामला हुआ। तो मेरे भाई ये रिवायत भी साबित नहीं, ये भी सही है, मिश्कात में जब शेख अब्दुल सही रहिमहुल्लाह ने हुक्म लगाया तफरीज व तहकीम का उन्होंने इस रिवायत में लिखा कि ये रिवायत ज़ईफ है, ये भी सही नहीं, इसकी सनद नहीं सही, ये भी सही। अब आ जाए ये पांच ज़ईफ हदीसों के बाद एक सही हदीस में पेश करूंगा जो इन पांच हदीसों को आप मुकम्मल पता चलेगा कि सही और ज़ईफ हदीस में फर्क क्या होता है। अब आ जाए हदीस नंबर जो ना वो ये बुखारी में है नमाज तस्कार से चैप्टर है अनसर रजीलान के रावी है, वो बयान करते हैं कि उमर फरूक रजीलान के जमाने में जब क्या साली पड़ती थी, पहले तो आप सुन चुके ना कि उमर के जमाने में क्या साली पड़ी, तो अरबी आया वो कब्र रसूल पर चला गया, अब आयशा के पास गए उन्होंने कहा सराख निकाल लो, इस तरह के अपने रवायत में पांच बयान की। अब उमर के दौर ये भी उमर के दौर है अपना जमाना है उसमें क्या है वो देखते हैं।
पहले पहले हम तेरे नबी को तेरी बारगाह में वसीले के तौर पर पेश करते थे, तो तू हम पर बारिश ना फरमाता। यानी कि जब हमें बारिश की जरूरत होती है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तू बारिश ना फरमाता। अब हम तेरे चचा के, तेरे नबी के चचा को तेरी बारगाह में दुआ कर से लगा, तो वसीले के तौर पर पेश करते हैं, तू हमारी दुआ कबूल फरमा, हम पर बारिश ना फरमा। हर अंश कहते हैं कि इस तरीके से फिर बारिश ना हो जाती। अब देखो यार, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ना ही कब्र रसूल पर गई, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर कहा कब्र में, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर की ख्वाब में कहते करो, ना ही आपने कोई कब्र में सुराख किया। आपने बल्कि उमर को दर्द दिया कि सही शक्ति वसीला जो दुआ करवाना है किसी से, वो दुनियावी जिंदगी में मौजूद नेक शख्स उससे जाकर दुआ करो। ये है सही अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करना दुआ के लिए। आप ना ही रोया सूर पर गए, ना ही रोया कब्र सूर में सुराख निकाला, ना ही आप कब्र सूर पर जाकर सो गए कि ख्वाब आई मैं आगे ने मेरे बताया हुआ इस तरह का हम अहले इस्लाम ने नहीं। आपने डायरेक्ट दुनियावी जिंदगी में मौजूद नेक शख्स अब्दुल्लाह ने बात को बुलाया, उनके सिर से दुआ की बारिश ना करो। उस हदीस है ये भी कि नबी ने सलाम फरमाया कि तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे हदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है, इनको मजबूती तक करो। अब हदायत याफ्ता कौन है, उमर नहीं तो और कौन है? हदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन यही है, वो उमर है। उनका अपना मौकिफ देख लें, उन पर जब ये मालूम थी बताई क्या असर पड़ी, उन्होंने दुनियावी जिंदगी में मौजूद एक नेक शख्स को बुलाया और अल्लाह की बारगाह में सीरत और पेश किया। देखो ये है ज़ईफ हदीस और सही हदीस है। हजरत हद उमर वो शख्स थे जिन्होंने आपके साथ साथ काफी जिंदगी गुजारी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और जब कभी भी पानी की किल्लत आती है तो हजरत उमर ने ये मौजदे देखे हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले मुबारक में अपने हाथ मुबारक रखते और चश्मे निकलाते और प्यास सबको बुझ जाती, सब लोग सिराब हो जाते। हजरत उमर ने ये भी देखा होता हुआ था कि जब कभी बारिश की जरूरत पेश आती है, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते तो बारिश भी उसी वक्त नाजिल हो जाती, लेकिन नबी उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र वाली बर्दगी याद को दुनिया में याद पर क्यास नहीं किया, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाकर कहा कि या रसूलल्लाह पहले भी जब हम कोई आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल पेश आती पानी की, हम आपके पास प्याला लेकर हाजिर होते, आप उसमें अपनी उंगलियां मार करते चश्मे निकलते तो हम शराब हो जाते, यहाँ आप दुआ करते अल्लाह की बारगाह में तो हम शराब हो जाते। अब भी आप दुनिया कब्र में हैं तो आपकी कब्र के सिले से आप हमारे लिए दुआ करें कब्र में ही, इस तरह जो पांच पैसे में बयानपुर में है, या आप अपना हाथ मार बाहर काले प्याले में रखें ताकि उस तरह आपके हाथ से चश्मे निकले और हम शराब हो जाए, नहीं आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने उमर को दर्द दिया क्योंकि आप खुलफाए राशिदीन थे, हदायत याफ्ता राशिदीन थे, आपने उमर को दर्द दिया कि सही दुआ करवाना ये दुनियावी जिंदगी में मौजूद किसी नेक शख्स से जाकर दुआ करना। तो ये आपने देखा कि ज़ईफ हदीस और सही हदीस में कितना फर्क है, दिन आसमान का फर्क होता है। इसलिए इमाम मुस्लिम ने अपने मुकदमे में पहली तकरीबन 100 हदीस सिर्फ यही नकल की है कि नबी साहब ने फरमाया कि जिस शख्स ने जानबूझकर मुझ पर व्यासी हदीस बयान की मेरी तरफ मंसूख की जो मैंने बयान नहीं की, मेरी नहीं है वो हदीस बात, लेकिन उसने मेरे नाम की तरफ मंसूख करके वो बात उम्मत ने फैला दी, वो अपना ठिकाना छोड़ सकते थे। हद अली का कोई भी नकल किया करते ने फरमाया कि ये इस बात को मैं कम समझता हूँ कोई मुझे आसमान से धक्का दे और जमीन पर गिरा दे, लेकिन इस बात को मैं इससे ज्यादा बारे समझता हूँ कि मैं नबी सलाम की तरफ ऐसी बात कह दूं जो आपने नहीं फरमाई। मैं कह रहा हूँ कि सही मुस्लिम ने पहले मुकदमे में 100 हदीसें इस तरह की हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी तरफ ऐसी बात मत मंसूख करना जो मैंने नहीं बयान की, वरना मैं ठिकाना दो सकते। आपने कहीं ये नहीं फरमाया कि कुरान की कोई ऐसी झूठी याद ना पेश करना लोगों की तरफ, मैं अपना ठिकाना दो सकते देख लो, क्यों? आपको पता था इन्ना नहनु नज़्ल ज़िक्रा व इन्नहु लहाफिज़ून, बेशक अल्लाह ने फरमाया कि बेशक ये जिक्र हमने नाज़िल किया हम खुद इसके मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन अहदीस के इल्म का जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है, वो लोगों के लिए ट्रांसफर हुआ है। फिर जो देखे वो जो झूठे लोग थे हदीस के चोर लोग थे, उन्होंने हदीसें अपनी तरफ से मंसूख की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और एंटर करवा दी, तब वो मोहसिन भी निकल गई हुई यहाँ पे, लेकिन हमारे मोहसिन बड़ी मेहनत करने के बाद फिर उनको छानबीन की और अलग अलग किया। अब मेरे भाई जो ये जो आती है ना कि मैं कह रहा हूँ कि ये मदद लसरा रही है आंसर वैद कर रहा है उसकी अनवाइजिंग चीज को बोलनी होती, अगर जो है वो मैं कहता हूँ कि अबू हैरा से रवायत है
फिर वो आएगा। तो मुझे पूरी की पूरी सनद बयान करनी पड़ेगी ना बुरा तक। मैं कहूंगा मैंने बुखारी में पढ़ी, इमाम बुखारी ने मामले में नंबर ने मामले में नंबर रागिस्तान से, इतना चेन जुड़ती जुड़ती था बाबू राधा जाएगी ना तो फिर मुकम्मल होगी। अगर मैं आज के दौर में कहूँ कि अन अबू रहरा अबू रहरा फिर वायदा है, तो अबू रहरा रज़ियल्लाहु जो सहाबी रसूल है और आज के दौर में मैं उसके जितना गायब है वो कौन मुकम्मल करेगा, उसको कौन बुक करेगा? एक भी रावी की आसन मुमकिन होगी रवायत काबिले कबूल नहीं होगी मोहसिन के हम। तो ये जो है ना ये बहुत बड़ा सुखन है कि मुतअद्दस रावी जो है ना कि मुतअद्दस रावी की अन वाली रवायत हर के काबिले कबूल नहीं होती जब तक समावित तरीन मौजूद ना हो। तो जो लोग आने वाले रवायात बयान करते हैं मुतअद्दस रावियों की, तो मैं एक हदीस बयान करता हूँ, वो आपको अंदाजा लगा लेंगे कितनी खतरनाक ये सुखन है हदीस के मामले में। ये हदीस है किताबुल अदब के चैप्टर है मुफाखरत और असबियत का बयान है, इसका सब चैप्टर है मिश्कात में ये है हदीस। अब इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स अपने जाहिली नसब पर फख्र करे तो उसे चाहिए कि अपने बाप का आला तनासब काट कर अपने मुंह में रख ले। आला तनासब से मुराद मर्द की फ्रेंड वाली शर्मगाह है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स अपने जाहिली नसब पर फख्र करे कि मैं यानी कि मुशरिकीन के दौर के अरब में जाहिली दौर जहालत के दौर में कि मैं फलां चौक साहब का बेटा हूं, फलां का बेटा हूं, मारिए दाद है, इस तरह जाहिली नसब पर फख्र करे, उसे चाहिए कि अपने बाप का आला तनासुर काट कर अपने मुंह में रख ले। तो वन और बिला सर यानी आला तनासुर नाथ शर्म का है कि नबी सलाम इस तरह की जबान इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरान में तो आया है सूरह कलम में कि वह इन नकाला खुलकिन अजीमन कि नबी सलाम तो इखलाक के बुलंद तरीन मुकाम पर फायद है। तो बुखारी में हदीस है मिश्कात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदाब इसका चैप्टर है। अब उसे खुद से रावी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्मगाह थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्मगाह थी और कुरान में आपके अखलाक इतना बुलंद अल्लाह ताला ने बताया है। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे शर्मगाह वाले कि अपने बाप का आला तनासुर शर्मगाह काट कर मुंह में रख लो? तो वना अल्लाह तकरना। अब ये जो रवायत है ना जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब ये बयान फरमाया गया कि अपने बाप का तनासुर काट के अपने मुंह में रख लो, इसमें हसन बसरी मुतअद्दस हैं और उनसे बात कर रहे हैं। इतना बड़ा ये सुखन है। हसन बसरी जय्यद ताबीन में से हैं, 70 से ज्यादा सहाबाओं की नसूबत हासिल की हुई है हसन बसरी। वो इतने बड़े ताबीन जय्यद ताबीन में से हैं, ताब जो ताबीन उनमें उनका शुमार है जिन्होंने 70 सहाबा की नसूबत की है, वो मुतअद्दस आंसर बयान करें तो वो हर भी काबिल बोल नहीं है। तो बाद आया कि बाद मैंने जो छोटे छोटे जो है वो लोग आंसर बैल करें तो उनकी हदीस कहाँ से काबिल बोल होगी? तो ये बहुत बड़ा सुखन है, छोटा सुखन नहीं है कि मुतअद्दस क्या अन वाली काबिल बोल नहीं होती। इमाम मुस्लिम ने मोहसिन के हम मुकदमे में लिख दिया सही मुस्लिम में कि मुतअद्दस की अन वाली रवायत हर काबिल बोल नहीं होगी जब तक समक तरीन मौजूद ना हो। देखिए इसमें कितनी यानी कि शर्मनाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस्तेमाल है हदीस में। क्या है कि मुतअद्दस रावी आंसर बयान कर रहा है समग स्क्रीन उत्पन्न और हसन बसरी हैं जितने बड़े जिगे ताबीन में थे। तो ये रवायत असूल मोहसिन के हाथ गिर काबिल बोलनी होती है मुतअद्दस रावी की आंसर बयान जब तक समग स्क्रीन उत्पन्न हो। तो आप जो ना वो आपने जितनी ये मैंने रवायत बयान की 5-6-7 जो ना लाइव थी के कब्रों पर जाकर बैठना कब्र से जाकर दुआ करवाई उनके आप भी आया कब्र गया जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुनाहों की माफ़ी की ये अदा के हुजूर बारिश के लिए क्या साली के लिए जितने भी हदीसें आई मैंने बुकर अब हजरत उमर का जो उस तरफ शाम से मैंने को किया। अब मैं एक और वाक्य से नकल कर देता हूँ, वो है वाक्य देवबंदी मौलाना शेख जिक्रिया सहारनपुरी साहब सवाल हाजिर की किताब है वाक्य जो है वो 12 सफा 160 पे बरेलवी मौलाना मोहम्मद अजाज कादरी फजाने सुन्नत किताब है मुसाफा मुआनत की सुनते हैं इसका चैप्टर है सफा 654 में वो लिखते हैं कि सैयद अहमद रफाई मशहूर अकाबरीन में से एक अकाबिर है। वो कहते हैं वो 555 हिजरी में जो ना वो हाज उमरे के लिए गए तो वहां जाकर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रोजे पर हाजी का वक्त आया और रोजे कब्र रसूल पर गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि उन्होंने जाके चंद इशार पढ़े रखे अरबी में कि जिसका तर्जमा यह कि जब मैं इनके आपसे दूर था मकर देने में नहीं था तो मेरी रूह आती थी और आपका जो ना वो रोज़ा रसूल को आस्ताने को अक्दस को चूम कर चली जाती थी।
ठीक है। तो अब मैं खुद जिस्म के साथ आया हूं, मैंने आपके जिस्म को इतना गुस्सा देना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ना पहले मेरी रूह आती थी आपके अजाने के सुर पर, आपके रोया सुर पर, और आपके रोया सुर को बोसा देकर चली जाती थी। अब मैं खुद जिस्म के साथ आया हूँ, आप अपना हाथ मुबारक जिस्म मुबारक अपनी कब्र से बाहर निकाले ताकि मैं उसको बोसा दूँ। तो फिर कहते हैं कि नबी सलाम ने अपना हाथ मुबारक अपनी कब्र से बाहर निकाला, तो उसने बोसा दिया सैयद अमर रफाई ने। तो जिन लोगों ने ये मंजर देखा उनमें पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी भी थे, तो उस जब ये मंदिर लोगों ने देखा वो कम से कम 90,000 लोग थे जिन्होंने ये मंदिर देखा, भजन 90 में, ठीक है। तो मेरे भाइयों देखोगे कब्रों पर जाकर बैठना वो भी रिवायतें बिल्कुल सही है, और जो मैं इतनी रिवायतें बयान की अराबी आया, ठीक है, तो उसने आकर नबी सलाम के गुजारिश की वो भी रिवायत सही, ठीक है। ये तमाम काम जो है कब्रों वाली रिवायतें बिल्कुल सही है। तो एक शूरा भी ऐसी रियायत नहीं आई जिससे जो है वो हाथ बाहर निकला हो नबी सलाम के कपड़े मुबारक से, ऐसी ऐसी कोई चीज नहीं आज भाई। अगर ये भी सही है सारी, लेकिन इतनी हद तक कोई नहीं गया कि आपका हाथ बाहर निकला आया हो। और ये जो है लिखा है किताबों में, इन्होंने नबी सलाम का जिस्म मुबारक ही अपनी उनकी कब्र से निकाल दिया, यानी कि आपकी दुनियावी आपकी बदरी याद को कब्र वाली जिंदगी को दुनियावी जिंदगी पर याद किया, जो कि साबित नहीं है। जो लोग कब्र पर जाकर बैठ रहे हैं, जाकर इंतजार गुजारिश कर रहे हैं नबी सलाम के पास कब्र पे जाकर, वो भी रिवायतें सही हैं। इधर हाथ ही बाहर निकला है, बदगी याद को दुनियावी जिंदगी पर क्या कर दिया, तो ये तो बिल्कुल जाली किस्म का बात है। उमर का मैंने जो सबको सामने बयान किया तो उनका अपना मौका कि वो ना ही नबी सलाम की कब्र पर गए, ना ही आपने मैं कि यार सुबह अपना हाथ निकाल लिए, ना ही कब्र पर जाकर इंतजार की, ना ही कब्र में सुराख किया, ना ही कब्र पर जाकर बैठे। आप जब मुश्किल क्या साली पड़ी तो अब्दुल्लाह इब्ने बाद के जगह पास गए और उनको दुनियावी जिंदगी में मौजूद एक जाहिर शख्स को वसीला के तौर पर नबी बारे में पेश किया, और उम्मत को यह दर्द दिया कि सही शख्स वसीला जो है वो दुनियावी जिंदगी में मौजूद किसी नेक शख्स पर जाकर दुआ करवाना है, ना कि कब्र रसूल पर जाकर नबी सलाम से दुआ करानी है आपकी बर्जगी याद में, क्योंकि वो है बर्जगी जिंदगी जिसको दुनियावी जिंदगी के साथ कोई मुतशाबा नहीं है, उसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते बर्जगी याद, उसको दुनियावी जिंदगी पर क्या नहीं किया तुम्हारे बिना, तुम्हारे को दुनियावी जिंदगी पर क्या किया। तो अब जो ना आ जाइए हदीस, तो इससे रिलेटेड एक और हदीस है सिलसिला सैयद जो शेख रमानी की किताब है कि उसमें एक हदीस है कि जी नबी सलाम की वफात के बाद नबी सलाम की कब्र मुबारक पर एक फरिश्ता अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है जो मशरिक और मगरब यानी कि तमाम दुनिया की आवाज सुनने के बाद उसको कुदरतान चला है, और जो कोई भी दुरूद और सलाम पढ़ता है पूरी दुनिया में तो वो एक फरिश्ता जो जिसको अल्लाह ताला ने इतनी कुदरत दी है कि हर पूरी मशरक और तमाम मखलूक को देखने की वो सुनने की हैसियत रखता है, तो वो जब भी पूरी दुनिया में कोई दुरूद और सलाम पढ़ता है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करता है कि फलां बिन फलां यानी कि फलां के बेटे ने फलां शख्स ने आप पर दुरूद और सलाम भेजा है। तो ये मेरे भाइयों रिवायत जो बिल्कुल ज़ईफ है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें इमरान बिन हुमैरी मजहूल हलावी है, लापता अननाउन, जिसका पता ही कोई नहीं, ठीक है। जबकि सही मुस्लिम मुकदमे में इब्ने मसूद का कौल, इब्ने मसूद का कौल है, इब्ने मसूद रजी अल्लाह का कौल है कि शैतान बाद में इंसानी शक्ल में आता है और हदीस बयान करता है और चला जाता है, ठीक है। और जब लोग जो ना वो मजमा छाट जाता है जो सुनते हैं हदीस सुनते, जब लोग आपस में थोड़ी तहकीक करने लगते हैं तो पता चलता है वो तो शैतान था जो इंसानी शक्ल में आता है हदीस बयान करके चला गया, उसका कोई अदा पता ही नहीं मिलता कौन था कहाँ से आया। इसमें भी ये जो रावी है इमरान बिन हुमैरी ये मजहूल है, मजहूल हाल है, इसका कोई पता नहीं, अननोन रावी है, ना पता है, इसका पता ही कोई नहीं कौन था कौन नहीं। तो इमाम मुस्लिम के में लिखा कि शैतान आता था हदीस बयान करके चला जाता था, लोग कहते ये हदीस जब पता जब पता करते थे कि ये बंदा कौन था कहां से आया कोई पता नहीं चलता था, मजहूल हाल ला पता, कहते ये शैतान था जो आया झूठी हदीस बयान करके चला गया। तो ये हदीस भी बिल्कुल सही है। इस तरह एक और हदीस है सुनन दारमी में 95 नंबर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक नबी बिन वहब इसके रावी हैं कि वो बयान करते हैं कि अहबार बिन काब बयान करते हैं काब बिन अहबार के नबी अस्सलाम की कब्र मुबारक पर हर रोज सुबह 70,000 फरिश्ते उतरते हैं, आपकी कब्र पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं और चले जाते हैं,
शाम को, फिर शाम को जब वो चले जाते हैं तो और 70,000 फरिश्ते आते हैं और नबी सलाम की दरगाह पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह यानी कि क़यामत तक चलता रहेगा। सुबह 70,000 फरिश्ते आएंगे, नबी सलाम की दरगाह पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे, फिर शाम को 70,000 फरिश्ते आएंगे, नबी सलाम की दरगाह पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे। इस तरह यह सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक के जब रोज़े क़यामत नबी सलाम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे तो ये 70,000 फरिश्ते आपको अल्लाह के पास लेकर चले जाएंगे। तो ये रिवायत भी जो है ना ज़ईफ है, इसमें नबी बिन काब जो है ना, जो ये रिवायत बयान कर रहा है काबिल बार से, वो काबिल बार का शिर्द नहीं है। और इसके अलावा नबी बिन काब, नबी बिन वहब नामी शख्स से ये रिवायत किसी ने सुनी नहीं है। नबी बिन वहब जो काबिल बार से रिवायत कर रहा है, पहली बात तो ये उसका शिर्द है ही नहीं, शिर्द में काबिल बार के शिर्दों में से ये बंदा ही नहीं था। दूसरा ये रिवायत जो है ना, ये नबी बिन वहब नामी शख्स से किसी ने सुनी हुई नहीं। तो ये इसमें सुखन है, ये रिवायत है। सही सही बात वही है कि फिक्स नाम पुजारते हैं या अल्लाह ताला पुजारते हैं इतना इसी कॉन्टेक्स्ट में। वो दारुल उतनी में किताब लो हदीस का चैप्टर है, सैयदना इब्ने उमर इसके रावी हैं। वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स ने मेरी कब्र की ज़ियारत की रोज क़यामत में उसकी शफाअत करूंगा। जिस कब्र ने मेरी, जिस शख्स ने मेरे मेरी कब्र मेरे रोज़े मुबारक की, रोज़े रसूल की ज़ियारत की रोज़े क़यामत में उसकी शफाअत करूंगा। जब लोग छानबीन करते हैं कि बंदा कौन था, कहां से आया था, कोई पता चलता है वो शैतान था जो इंसानी शक्ल में आया जिस में चला गया। तो इसमें भी मूसा बिन हलाल अब्दी एक मजहूल हाल रावी है, ला पता है, अननोन है, ऐसा कोई अता पता नहीं बंदा कौन था। दूसरा ये मुनकर हदीस भी है। ठीक है, अगली हदीस जो है ना वो मुस्लिम इमाम अहमद में है। ठीक है, तो इस्लाम 360 में इसका इंटरनेशनल नंबर है 12,001। दाऊद बिन अबी साले वो बयान करते हैं कि रोजा रसूल पर ना एक शख्स जो है इतना सर आकर बैठा होता है कब्र रसूल पर, तो मरवान आया, मरवान ने जब इधर देखा ना तो वो अबू अय्यूब अंसारी थे। तो मरवान ने कहा तू ये क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया हुआ, मैं नबी सलाम की कब्र के पास आया हूँ। यानी कि उसने कहा कि नबी सलाम की कब्र को कहा कि मैं पत्थर के पास नहीं आया हुआ, मैं नबी सलाम की कब्र के पास आया हूँ। ठीक है, और मैं आकर मैंने नबी सलाम को यह फरमाते हुए सुना कि जब दीन के अहल लोग दीन के वारिस बन जाए तो मत रोना, उस वक्त रोना जब दीन के ना अहल लोग दीन के वारिस बन जाए। ठीक है, तो ये मिश्कात में ना अहल लोगों की हुकूमत का इसका बयान है, मुस्लिम इमाम अहमद में उसमें ये हदीस मौजूद है। इसमें हम कहते हैं देखें जी वो कब्र पर सर रखकर बैठे हुए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बताया कि आपने कब्र पर बैठना भी मना है, सर रखना तो बड़ी दूर की बात है। पहले जिस बयान की मुस्लिम इमाम अहमद से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कब्र अल्लाह मेरी कब्र को ऐसा बुत मत बनने देना कि उसकी पूजा की जाने लगे। तो इसमें अगली हदीस जो है ये रिवायत जो है सही है बिल्कुल। इसमें जो है ना वो दाऊद बिन अबू साले वो मजहूल हाल पता है, वही बात अननोन पता ही नहीं है कौन है बंदा है जो ये रिवायत बयान कर रहा है, ये रिवायत भी सही है। इसमें दाऊद बिन अबू साले जो बयान कर रहा है वही ना पता है उसका, अता पता ही कौन है, मजहूल हाल है उसका, कोई पता नहीं कि ये बंदा कौन था, इसके क्या हाल अहवाल है, ना पता बंदा है, ये रिवायत बयान कर रहा है। मैं पहले ही मसूद से बयान कर चुका, पिश्तान इंसानी सूरत में आता है हदीस बयान करके चला जाता, जब छानबीन होती है पता चलता है वो पिश्तान था। इस तरह ये पता है मजहूर हाल है, ना पता इसका आधा पता कोई नहीं है, तो ये हदीस बिल्कुल सही है। इससे निकालते हैं वो देखा अबू अय्यूब अंसारी जो है ना वो कब्र पर सारा कर बैठे हुए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ये है सही मुस्लिम के लिए किताब अल जनाइज में। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रावी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कब्रों को पक्का करने से, उन पर इमारत बनाने से, उन कब्रों पर बैठने से। अब देखे वो शख्स जो है ना अबू अय्यूब, इस पहली जो ज़ईफ हदीस थी उसमें अबू अय्यूब अंसारी सर पर लगाकर कब्र पर बैठे हुए थे, सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कब्र पर मत बैठो, ना ही उनकी तरफ मुंह करो के नमाज पढ़ो, यानी कि उनको उन पर मारत बनाओ, ना ही उन कब्रों को पक्का बनाओ। ये है सही और ज़ईफ हदीस का फर्क। तो ये अबू अय्यूब अंसारी वाली हदीस जो बिल्कुल के ये ज़ईफ है, दाऊद बिन अबी साले जो बयान कर रहा है वही मजहूल दा पता ना उन बंदा उसका दा पता ही कोई नहीं कौन था कौन। तो सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अलैहि सलाम ने मना फरमाया कब्रों को कब्रों पर बैठने। इस तरह को वाक्य बयान हमने बहुत सुना है नूरुद्दीन जंगी बात,
जी वो नूर जिंदगी के जमाने में कुछ यहूदी नबी सलाम की लाश को सुरंग में निकालने लगे, तो उन्होंने सुरंग खोल दी, तो फिर नूरुद्दीन तंगी की ख्वाब में नबी सलाम आए, फिर नूरुद्दीन तंगी ने सब लोगों को बुलाया, फिर सुना यानी कि वो लोग तो यहूदी पकड़े। ये वाक्य बड़ा मशहूर है, ठीक है। तो इसमें है कि ये तो बिल्कुल इस तरह, ये तो कुरान से टकरा रहा है ये वाक्य मेरे भाइयों के, यहूदी नबी सलाम कब्र मुबारक निकाल लेने लगे थे सुरंग निकाल कर। कुरान में तो आया कि अल्लाह या सूरह माईदा आयत नंबर 67, अल्लाह या सीमु का मेरा नास ए महबूब सलम, अल्लाह ताला आपको बचाएगा लोगों से। तो अल्लाह ताला अल्लाह ताला की फाल फरमा रहा है कब्रों में अंबिया कराम की, ठीक है। तो इतना नहीं हो सकता, ये तो बस एक वाक्य था ऐसी।